Morning everyone. Today we are going to start our first chapter of EVS, that is me and my family. मैं और मेरी फैमिली, मैं और मेरा परिवार, इसके बारे में जो पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया था फैमिली क्या होती है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या फैमिली होती है, उसके अंदर और क्या क्या होता है, फैमिली में कौन कौन होता है, किसको क्या बोलते हैं, वो सब आज हम पढ़ेंगे। तो जो आपकी बुक है उसमें ये गिवन है कि एक लड़का है जिसका नाम क्या है, टीकू। तो वो अपनी फैमिली के बारे में बताता है, तो जानते हैं क्या बोल रहा है वो। डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज टीकू। तो बोलता है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम टीकू है। तो उसका नाम क्या है, टीकू। आई एम अ बॉय। जो टीकू है वो कौन है, लड़का है। नेक्स्ट, आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट। तो जो टीकू है वो क्लास वन में पढ़ता है, जिससे आप लोग पढ़ रहे हो वैसे ही जो टीकू है वो क्लास वन में पढ़ता है। मिस्टर नीरज इज माय फादर। जो टीकू है इसके जो फादर है वो कौन है, उनका नाम है मिस्टर नीरज। जो टीकू है उनके जो फादर है उनका नाम है नीरज। तो हम मिस्टर इसलिए लगाते हैं, ये एक रिस्पेक्ट वर्ड है, जैसे आप हिंदी में श्री लगाते हो। अब मैं हिंदी में बोलूं तो क्या है, टीकू के जो पापा है उनका नाम क्या है, श्री नीरज। तो ऐसे ही हम श्री की जगह इंग्लिश में मिस्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट, माय मदर नेम इज मिसेस संगीता। तो टीकू की जो मदर है उनका नाम क्या है, फादर मींस होता है पापा जी, और जो मदर होती है उनको बोलते हैं हम माता जी यानी मम्मी। तो जो टीकू की मम्मी है उनका नाम क्या है, मिसेस संगीता। हम यहां मिसेस इसलिए लगाते हैं, जो भी मैरिड होती है गर्ल उसकी जगह हम एम आर एस लगाते हैं, इसका मतलब होता है मिसेस, और जो सिंगल होती है, जो अनमैरिड होती है उसको हम मिस से यूज करते हैं, एम आई डबल एस। मिस जिसकी शादी नहीं हुई होती है उसकी जगह हम मिस यूज करेंगे, और जिसकी शादी हो जाती है उसकी जगह हम मिसेस यूज करेंगे। तो जो टीकू की मम्मी है उनका नाम क्या है, संगीता। आई लिव इन अ फैमिली विद माई फादर मदर एंड अ सिस्टर। टीकू की एक सिस्टर भी है, सिस्टर होती है आपकी बहन। तो टीकू क्या बोल रहा है, मैं एक फैमिली में रहता हूं और मेरी फैमिली में कौन है, फादर मदर एंड अ सिस्टर। अ सिस्टर मींस एक बहन। तो टीकू के फादर है, मदर है एंड वन सिस्टर है। अब हम देखते हैं आगे। अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन हु लिव जॉइंटली अंडर अ रूफ। तो फैमिली क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। फैमिली क्या होती है, जिसमें एक फैमिली रहती है एक छत के नीचे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका घर है, घर है आपका, तो यहाँ पे ये विंडोज और ये जो आपकी रूफ है, रूफ को ही आप हिंदी में छत बोलते हैं। एक फैमिली जो एक छत के नीचे रहती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। छत के नीचे एक फैमिली रहती है, तो फैमिली क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ एक छत के नीचे रहते हैं, वही क्या होती है आपकी फैमिली। अवर मदर एंड फादर आर अवर पेरेंट्स। जो हमारे जो फादर और मदर है वही हमारे क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं।
मदर एंड फादर टुगेदर नोन एज अ कपल। जो मदर फादर होते हैं उन्हें ही हम कपल बोलते हैं। तो कपल जो होता है वो क्या होता है? वो होता है एक जोड़ा, एक पेयर होता है। फादर और मदर को ही हम क्या बोलते हैं? कपल। जो फादर है और मदर यही क्या होते हैं? कपल होते हैं। जो फादर और मदर होते हैं वो ही क्या कहलाते हैं? कपल। कपल मीन्स होता है टू, ठीक है, और इसको हम पेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कपल मीन्स होता है एक जोड़ा। तो फादर और मदर क्या होते हैं? कपल। कपल मीन्स टू, दो लोग, ठीक है। नेक्स्ट होता है द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ कपल आर नोन एज देयर चिल्ड्रन हु आर ब्रदर और सिस्टर टू वन अनदर। तो जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे यानी जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे वही क्या होंगे? इनके बच्चे होंगे। जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे वही क्या होते हैं? इनके चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। क्या होंगे? चिल्ड्रन। इनके जो बच्चे होंगे वही इनके चिल्ड्रन होंगे, जो कि क्या माने जाएंगे? या तो बॉय होगा या गर्ल होगी। और ये क्या होते हैं? भाई बहन। तो इनको क्या बोलते हैं? ब्रदर और सिस्टर। जो मम्मी और पापा के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वो आपस में क्या माने जाते हैं? भाई और बहन। फॉर एग्जाम्पल आपके जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे कौन हो? आप लोग। आपकी एक बहन होगी, एक भाई होंगे, तो आप उन्हें भाई और बहन ही तो बोलते हो। तो यही समझा है, फादर मदर के जो ऑफस्प्रिंग होंगे यानी जो उनके चिल्ड्रन होंगे वो या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? ब्रदर और सिस्टर, यानी भाई और बहन। अब हम देखते हैं आगे। आगे आपका आता है टाइप्स ऑफ फैमिली। ये फैमिली है, फैमिली हमने जान लिया। व्हाट इज फैमिली? एक छत के नीचे रहने वाले परिवार को ही फैमिली बोलते हैं। जो एक छत के नीचे रहता है उसे ही फैमिली बोलते हैं। तो फैमिली कितने टाइप्स की होती है? फैमिली होती है थ्री टाइप्स की। फर्स्ट वन इज स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली, तो फर्स्ट होती है हमारी स्मॉल फैमिली। देन सेकेंड होती है हमारी बिग फैमिली। बिग फैमिली एंड थर्ड वन हमारी होती है जॉइंट फैमिली। मदर या उनका एक बच्चा या दो बच्चे, यानी मैं यहां लिख देती हूं स्मॉल फैमिली में कौन आते हैं? फादर, मदर या वन चाइल्ड और टू चाइल्ड, वन और टू चिल्ड्रन। तो हमारी जो स्मॉल फैमिली होती है छोटी होती है, तो उसमें कौन कौन आते हैं? फादर, मदर या उनका एक बच्चा या दो बच्चे हैं। तो जिस फैमिली में एक चाइल्ड होगा या दो
जिसमें या तो 3 लोग हो या 4 लोग हो, वो हमारी स्मॉल फैमिली कहलाती है। जिसमें फादर हो, मदर हो, या उनका एक बेटा हो या एक बेटी हो या 2 बच्चे हो, वही क्या कहलाती है हमारी स्मॉल फैमिली, जिसमें 4 या 3 लोग होते हैं, 4 या 3 लोग होते हैं, वही हमारी स्मॉल फैमिली कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं हम बिग फैमिली पे। तो जो बिग फैमिली होती है वो क्या होती है, बिग फैमिली के बारे में जानते हैं, याद लिख देती हूँ मैं। सेकंड वन इज बिग फैमिली। बिग फैमिली में फादर आएंगे, मदर नंबर 3, फादर हो गए, मदर हो गए, उनके 3 चिल्ड्रन। जो हमारी जो बिग फैमिली होती है उसमें फादर आते हैं, मदर आते हैं, 3 या 4 चिल्ड्रन, 3 या 4 चिल्ड्रन, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई बिग फैमिली, 4, 5, 6, जिसमें 6 मैक्सिमम 6 लोग होते हैं, वही हमारी क्या होती है बिग फैमिली होती है। जो स्मॉल फैमिली होती है उसे हम न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वही हमारी स्मॉल फैमिली होती है। और जो बिग फैमिली होती है उसमें फादर आते हैं, मदर आते हैं, या उनके 3 बच्चे या 4 बच्चे। जिस फैमिली में 3 या 4 बच्चे होते हैं वही हमारी बिग फैमिली कहलाती है। अब हम आते हैं आपकी जॉइंट फैमिली पे। जॉइंट फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें कौन कौन आता है, फर्स्ट वन फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है। जो हमारी जॉइंट फैमिली होती है उसमें कौन कौन आते हैं, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट और उनके चिल्ड्रन। इन सबके जो चिल्ड्रन है वो हमारी जॉइंट फैमिली में आते हैं। जिस फैमिली में दादाजी, ग्रैंडफादर मींस होता है दादाजी, ग्रैंडमदर मतलब होता है दादी जी, अंकल में आपका आ जाएंगे ताऊ जी, चाचा जी, आंट में आपके आ जाएंगी चाची जी या ताई जी, और चिल्ड्रन में बच्चे, फादर मींस पापा जी, मदर मींस माता जी। तो जिस फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर होते हैं और अंकल आंटी, ये जो मिलकर साथ रहते हैं इसे ही हम क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली बोलते हैं। तो ये हमारी जॉइंट फैमिली होती है। तो हमारी जो स्मॉल फैमिली होती है उसमें टोटल 3 या 4 लोग होते हैं, फादर, मदर, उनका एक बच्चा या 2 बच्चे, तो वो हमारी होती है स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली को ही हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। सेकेंड हमारी आती है बिग फैमिली, जिसमें फादर, मदर, उनके 3 या 4 बच्चे होते हैं, वही क्या कहलाती है हमारी
बिग फैमिली एंड जो जॉइंट फैमिली आती है उसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, अंकल, आंट और उनके जो बच्चे रहते हैं वही हमारी क्या होती है, जॉइंट फैमिली होती है। अब हम देखते हैं कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिसमें हमारे फादर होते हैं और कोई चिल्ड्रन नहीं होता। कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिसमें फादर होते हैं, जिसमें फादर होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं, बट जो मदर होती है वो नहीं होती। कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिसमें फादर और चिल्ड्रन होते हैं, मतलब पापा और बच्चे होते हैं बट उनकी मदर नहीं होती है, तो वो भी एक फैमिली होती है। सम हैव मदर एंड चिल्ड्रन बट नो फादर। कुछ में क्या होते हैं, मदर होती है, चिल्ड्रन भी होते हैं बट फादर नहीं होते, तो वो भी फैमिली होती है। हम मना नहीं कर रहे कि फैमिली नहीं होती है, वो भी फैमिली होती है। तो सम हैव टू पीपल, हस्बैंड एंड वाइफ बट नो चिल्ड्रन। कुछ में क्या होता है, फादर भी होते हैं, मदर भी होते हैं बट चिल्ड्रन नहीं होते। कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिसमें फादर होते हैं, मदर होते हैं, यानी हस्बैंड और वाइफ होते हैं, जिसमें चिल्ड्रन नहीं होते, वो भी क्या कहलाती है, हमारी फैमिली कहलाती है। तो ये जो हमारा चैप्टर था वो यही था, मी एंड माई फैमिली, मैं और मेरा परिवार। इसमें जो मैंने आपको बताया है यही इतने टाइप की फैमिली होती है।